नमस्कार, फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं SVM पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ब्रजेश सर। आज हम इनसे बात करेंगे और जो युवा जो बेरोजगार बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, और इन्हीं सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और सर के बारे में भी जानेंगे कि सर आप इतनी कम आयु में और अपना एक संस्था चला रहे हैं, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेरोजगार बैठे हैं, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार आपको भी और आपके तमाम चैनल के दर्शकों को भी। सर सबसे पहली मेरी बात है कि सर जो युवा बेरोजगार बैठे हैं और वो बस बैठे ही रह जा रहे हैं और कहते हैं कि एग्जाम नहीं निकलता है, तो ये कंपटीशन का जो एग्जाम था बहुत जो प्रश्न था बहुत हाई लेवल का था, मतलब कि बहुत टॉप था, और वैसे वैसे बैठ करके समय मतलब बर्बाद कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि अब जाएंगे तो अब विदेश ही जाएंगे और रोजगार जो है कि नहीं करना चाहते हैं। मतलब अपना जो शहर में अपना क्षेत्र में बहुत कम ऐसे युवा हैं जो कि रोजगार करना चाहते हैं, चाहते हैं कि किसी कंपनी में जाके काम करे, विदेश जाकर काम करे, अन्य जगह पर जाके काम करे। उन युवाओं को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपका टॉपिक रहा आज का कि बेरोजगारी पे आपने क्वेश्चन उठाया, और आपको सबसे पहले धन्यवाद कि छोटे छोटे मुद्दों को हमारे आप लोग दिखा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और रहा बेरोजगारी की टॉफ की बात आपने की कि टॉफ एग्जाम हो रहा है बच्चे, तो ये हमको लग रहा है कहीं ना कहीं एक्सक्यूज है बच्चों का, टॉफ कुछ होता ही नहीं है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे बड़ी अगर आपको हम बता रहे हैं, अगर आपकी मम्मी का 12 बजे रात को एकदम सीरियसली तबीयत खराब हो जाए, आपके वहां ना ऑटो मिले, ना रिक्शा रहे, ना साइकिल रहे, ना गाड़ी रहे, तो बताइए आप क्या करिएगा उस समय? अपने मम्मी को छोड़ दीजिएगा, कैसे भी हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा, तो वहां पे कैसे भी लेके जाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए टॉफ है, लेकिन आपकी विल पावर मजबूत है, वो आपके लिए जरूरी है। तो आपको अगर ऑटो नहीं मिले तो साइकिल पे ले जाइएगा, साइकिल पे नहीं भी रहेगा तो उठा करके ले जाइएगा, लेकिन ले जाइएगा कैसे भी, क्योंकि वहां सिचुएशन वो आपके लिए जरूरी है। तो यही समझने की जरूरत है आज के यूथ को कि उनके लिए जरूरी नहीं लग रहा है, इसलिए वो एक्सक्यूजेस बनाते रहे कि टॉफ आ जा रहा है। ये आप पहाड़ तोड़ने से भी टॉफ है क्या? दशरथ मांझी की ले लीजिए, 20 साल लग गए छेनी हथौड़ी से 90 फीट का पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, 30 किलोमीटर का रास्ता 9 किलोमीटर में बदल दिया। आज हम लोग मांझी द माउंटेन मैन के नाम से उनको जानते हैं, तो उनसे भी टॉफ है क्या एग्जाम निकालना? पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा भारी है क्या? तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का ये एक्सक्यूज है। आप अभी नौकरी के ठीक है, आप नौकरियां नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे आइडियाज है मार्केट में, आप बैठ के सोचिए तो सही। आप देखिए मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम कैसे उसको सोल्यूशन निकाल कर के लिए, बस वही आपका बिजनेस आइडिया बन गया। कुछ यूनिक करिए, 1000 आइडिया है, बहुत आइडिया है। कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ करिए, यही चीजें हैं। सर एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप अपने बारे में, जो आपके जो आपके जीवन में क्या क्या हुआ, आप कैसे इस मुकाम पे पहुंचे, कहाँ तक पढ़ाई हुई, कैसे कैसे, आप थोड़ा सा ये इस पे थोड़ा सा आप इस पे चर्चा करते हैं और जरा बताइए, ताकि कुछ युवाओं को इससे थोड़ा सा संदेश मिले कि मुझे भी ऐसा ऐसा करना पड़ेगा या ऐसा ऐसा करूंगा तो शायद मुझे भी कुछ लाभ होगा। उन युवाओं को थोड़ा सा संदेश दे दीजिए अपने माध्यम से। बिल्कुल सही बात है कि मेरी तो कहानी अभी उस बताने लायक है नहीं, वैसे जो भी जैसे ही जो भी टूटे फूटे ही हैं, अच्छा जैसे भी हैं, जिस तरीका से भी है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए। तो देखिए एक्चुअली है कि अभी उस लायक है नहीं कि अपनी कहानी बताएं, लेकिन हो सकता है हमसे भी कितना लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि ठीक है अभी जहाँ भी हम लोग है बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये हम लोग का कॉन्फिडेंस है। और हमने देखिए सबसे पहले की बात है कि हम लोग ने इंजीनियरिंग भी किया है, डिप्लोमा भी किया है हम लोग ने, तो अभी उस समय हमारे यहाँ 12th के बाद से अभी कोई, हम ऐसे ही पूछने गए, कोई हमारा मेंटर नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था कि हम क्या करें, तो हमारे फ्रेंड लोग, हम एक आध गो फ्रेंड मिल करके किसी अपने से अच्छे लेवल के व्यक्ति के पास गए, एक टीचर के पास गए हम लोग, पूछे कि सर क्या करें अब हम आप लोगों को बताइए, तो बताया कि आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्योंकि हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति कंडीशन ठीक नहीं थी, प्रेजेंट कंडीशन उस समय, तो सुनकर के हम लोग इंजीनियरिंग कर लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग में गए तो हम कुछ महीनों तक काम किए कंपनी में, एक आध कंपनी में काम किए, तो हमको रियलाइज हुआ इस बात का कि जितना वर्क समय हम इस कंपनी को ग्रो कराने में हम लोग दे रहे हैं, अगर वही एफर्ट हम लोग अपने यहाँ करें, कुछ अलग करें, तो
यहाँ जो कंपनी को फायदा हो रहा है वो हमारे गांव समाज को मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे गांव की जो बेरोजगार युवा है उनका भला भी होगा। तो यही रिलेट करके हम लोग कुछ जब वापस से छुट्टी मिली थी एक दो मंथ में आए गांव, तो हमने सोचा कि कुछ अब यूनिक करते हैं यहीं रह जाने की, सेटल होने की। तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ाई में हमको धीरे धीरे बच्चों का प्यार मिला इतना कि अब वो कहीं जाने ही नहीं दिया और उसी को हमने अपना एक समझ लिया, एक सोशल वर्क बना लिया हम लोगों ने। और आज हमारे साथ कुछ टीचर का भी जुड़े हैं और बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं और हम लोग की सबसे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग की वजह से बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा जा रहा है। तो अच्छा, आपको नहीं लगा कि हम जो डिप्लोमा किए हैं, जो कोर्स किए हैं, अच्छा खासा इनकम उस कंपनी में कमा सकते थे और जो पैसा, जो गार्जियन का, पेरेंट्स का आपका पैसा लगा उस डिप्लोमा करने के लिए और उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्या उस पे आपका मन नहीं गया कि क्यों बर्बाद कर रहे हैं, गांव आएंगे तो क्या पता जो हम चाह रहे हैं या इसमें जो हम करना चाह रहे हैं वो क्या पता होगा कि नहीं होगा, इस पे कुछ ध्यान आपका नहीं आया? बिल्कुल होता है और सभी के, हमारे पेरेंट्स भी हमसे कुछ दिन तक नाराज रहे, सभी के पेरेंट्स होते हैं क्योंकि ये माइंडसेट ही हम लोग का बिहार का है कि आप पढ़ो लिखो और जॉब करो। बिजनेस में आज हम लोग वही स्थिति, हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली की वही स्थिति होती है, जैसे कि आज अंबानी का लड़का यदि बोल दे कि हम बिजनेस करके नहीं यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसके घर में भी कुछ उथल पुथल होने लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। वही क्लास कुछ हम लोग के साथ भी होता है कि मिडिल क्लास के फैमिली में अगर कह दे कि नहीं हम जॉब नहीं करेंगे बिजनेस करेंगे तो कुछ उस प्रकार का ही बिहेव करते हैं हमारे पेरेंट्स। तो ये चीजें कुछ दिन तक नाराज रहे, फिर हमने सोचा कि नहीं कुछ अगर नियत साफ है हमारा तो उन लोगों को समझाया कि नहीं इससे अच्छा करके दिखाएंगे आप लोगों को, हमको कुछ समय दीजिए, और नियत साफ करके हमने स्टार्ट किया। हाँ, स्टार्ट किया और निगेटिविटी पॉइंट भी देखा, पॉजिटिविटी पॉइंट भी, सोच हम लोगों का बहुत बड़ा है लेकिन स्टार्टअप एकदम छोटा सा किया हम लोगों ने, दूसरे के कमरे से पढ़ाना शुरू किया, आज हम लोग का स्कूल चल रहा है तो काफी ग्रोथ किए हैं। तो आप सोच बड़ा रखिए, ड्रीम बिग एंड डायर टू फेल, बड़ा सोचिए और असफलता के लिए तैयार रहिए। तो बड़ा सोचा और एकदम छोटे से छोटे लेवल पे हम लोगों ने शुरू किया और आगे हम लोग बहुत मल्टीपल ग्रो कर रहे हैं हर साल, तो ये चीज अच्छा लग रहा है। तो आज हम पेरेंट्स ठीक है बोलते हैं ठीक है। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये कि आप ट्यूशन से स्टार्ट किए, उसके बाद आप उसको एक अलग अपना ये स्कूल का पहचान। जी बिल्कुल, हम लोगों ने 5 लड़के से ट्यूशन स्टार्ट किया, आज हम लोगों के पास अच्छे हैं लड़के, बहुत अच्छे, ट्यूशन भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे का फीडबैक बहुत अच्छा आता है और बच्चे का ग्रो बहुत होता है, तो ये देखकर खुशी मिलती है हम लोगों को। पैसा जो लिए पेरेंट्स से लिए कि खुद से ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके उस पैसे को इन्वेस्ट मतलब अपने स्कूल में? हाँ, कोऑपरेट तो पेरेंट्स भी किए हैं बट स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है, हम लोगों ने लोन लेकर के शुरू किया था, हम लोगों ने स्टार्ट तो किया था तो कुछ पेरेंट्स सपोर्ट मिला था लेकिन उसके बाद से हमने सपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि हमको पता था कि देखिए अगर हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे ना चढ़ के छत पे तो उसका मजा भी मिलेगा और अगर गिरेंगे तो उठने की हम में हिम्मत भी रहेगी, क्षमता भी रहेगी, लेकिन यदि आप लिफ्ट से जाइएगा ना ऊपर तो गिरिएगा तो फिर उठ नहीं पाइएगा क्योंकि आपने कभी वो डिफिकल्टी फेस ही नहीं की है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने दम पर मुश्किलों को सामना करते करते ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें हैं। और इंजीनियर करने के बावजूद भी सर शिक्षा में एक अलग अपना पहचान बना चुके हैं और अपना एक इंस्टीट्यूशन संस्था चलाते हैं और सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर जो और युवाओं को क्या कहेंगे, थोड़ा सा जाते जाते कुछ और उनको बता दीजिए, कुछ संदेश दीजिए अपने तरफ। हाँ बिल्कुल, कहा जाता ना कि हमने डायलॉग सुना था कि भगवान भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, तो हम कहना चाहेंगे इस पे कि आप भी सरकार के भरोसे ना बैठिए, क्या पता सरकार हमारे भरोसे बैठा हो, आप भी कुछ बनिए, कुछ करिए, आप इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ अपने देश के लिए करें। आप तो नहीं रोजगार ले सकते, रोजगार देने की कोशिश करिए, खाली रोजगार के पीछे ये भीड़ धसान की तरह हो गया है, सभी बच्चे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। आप हमारे बिहार में ही ऐसा, आप अदर स्टेट में चले जाइएगा तो हम लोग 10th के बाद 12th करते हैं, 12th के बाद डिग्री लेते हैं बैचलर का, लेकिन वहां क्या होता है ना कि अभी 10th तक करके उसको व्यावसायिक रोजगार पढ़ाई पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनली कोर्स बताया जाता है। वहां चले हम लोग का इंटर का मैट्रिक का कॉलेज है, उधर अदर स्टेट पर जाइएगा तो इंजीनियरिंग का प्रोफेशनली कॉलेज है, वो चीज बच्चों में सिखाया जाता है। तो हम चाहते हैं ऐसा सिस्टम हमारे बिहार में भी लागू हो कि ज्यादा डिग्री ना होने के बजाय बच्चों के स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसी की वजह से, स्किल्स नहीं होने की वजह से बच्चे पढ़ लिख करके भी बेरोजगार है। ये चीजें हैं, और कॉन्फिडेंस रखिए और यहाँ कुछ करने की मार्केट में देखिए, वेल ऑब्जर्व कीजिए क्या है और कुछ आइडिया निकालिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है। जॉब भी बुरी नहीं है, जॉब भी आप कर रहे हैं तो सोचिए 5 साल बाद हम MD बनेंगे, CEO बनेंगे उस कंपनी की, जॉब भी अपने जगह सही है लेकिन आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है।
इस पे आपको जो अच्छा लगे वही चूज करिए। ये लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, आप स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। सर आप ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अपने इस जो ट्यूशन है जो संस्था चलाते हैं उसमें भी कुछ बच्चों को गाइड आप करते होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस आइडिया का ऐसे कुछ आइडिया भी देते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग दिल्ली का भी नियम लगा रहे हैं कि कुछ बच्चों को कुछ पेमेंट हॉलीडे में देते हैं और उसको प्रॉफिट में बदल के लाना होता है उनको। 1000-2000 कुछ बच्चे का ग्रुप बनाएंगे, उसमें 2000 करके दे देते हैं और वो बच्चे अपना जो भी करे या आप कुछ भी बेचे, फुचका बेचे, रेडी लगाए, चाय बेचे, लेकिन उसको 2000 को 3000 में प्रॉफिट ला करके हमको देना है। इससे बच्चे का अनुभव होता है। ये आपके दिल्ली में चलता है, केजरीवाल चलाते हैं, तो उनसे हम बड़ा ही अच्छा लगा हमको, तो हम सोचे क्यों ना अपने यहाँ भी लागू किया जाए। तो वो बच्चे लेते हैं और अपना सबसे बड़ी उनमें कॉन्फिडेंस आती है, क्योंकि कहा जाता है विद कॉन्फिडेंस यू हैव वन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। आप कॉन्फिडेंस आपके पास है तो पहले ही जीत जाते हैं स्टार्ट किए बिना ही। तो वो बच्चे क्या होता है, एक अलग ही उत्सुकता भी होती है उनको, एक अनुभव होता है बिजनेस का, आगे चल के उनको नौकरी नहीं भी मिले तो अपना कुछ कर सकते हैं इससे। तो ये चीज हम लोग बच्चों को रियलाइज कराते हैं अभी से ही। शहर का जो चीज है वो गांव में सर लाना चाहते हैं? बिल्कुल, शहर की सारी फैकल्टीज हमको देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं और फीडबैक भी अच्छा लग रहा है आ रहा है, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और अपना जो कैरियर है सर शिक्षा जगत में ही बना रहे हैं और बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं शिक्षा जगत में। अभी तो इनकी स्टार्टिंग हुई है, इनको अभी पूरा ये नहीं कह सकते हैं कि अपना जो मंजिल है उसको मतलब हासिल कर लिए हैं, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा है इनका और काफी अनुभव भी अच्छा है, क्योंकि उम्र के साथ साथ आप लोग समझ सकते हैं कि अनुभव इनके पास अनुभव का कितना भंडार है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सर का जो सुझाव है आप सबको कैसा लगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो में आप सबके बीच लाता रहूंगा। और आप लोग सुन रहे थे SVM पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ब्रजेश सर और मैं सुजीत कुमार W। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी अगेन आपके दर्शकों को।